नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और आज है पांचवा नवरात्रा और दिन है मंडे का। और मैंने सुबह की पूजा वगैरह सब कर ली है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। जो मैंने ज्वारे लगाए थे वो देखिए कैसे अच्छे से हो गए, हरे भरे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दिन ऐसा लगता है कि कभी ना बीते और हमेशा चलते रहे। इतने शुभ, इतने पॉजिटिविटी से भरे हुए ये दिन होते हैं ना नवरात्रों के, कि दिल करता है कि ये दिन हमेशा चलते रहें और ऐसी ही पॉजिटिविटी हर तरफ रहे। और जो ये वाले जो नवरात्रे आते हैं ना दशहरे वाले, इसमें कुछ अलग ही रौनक होती है, कुछ अलग ही मतलब एक अलग ही वाइब्स होती हैं। हर तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है और इतना त्योहारों का माहौल होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद त्यौहार ही त्यौहार होते हैं। तो देखिए ज्वारे कितने अच्छे हो गए और ये और भी ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो यहाँ मेरा फास्ट है, मेरे नवरात्रों के फास्ट चल रहे हैं। और आज मैं जा रही झंडे वाली माता के मंदिर अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी बचपन की दोस्त है उसके साथ जा रही हूँ। मेरा बहुत मन था, बहुत समय से मेरी इच्छा हो रही थी और माता रानी ने मुझे बुला लिया, बहुत जल्दी में बुलाया और एकदम से ये प्रोग्राम बना है हमारा झंडे वाली माता मंदिर जाने का। बहुत सालों से मेरा मन था, मैं बहुत छोटे में, मेरा बच्चा छोटा था तब मैं गई थी, बेटा मेरा छोटा था जब, तब मैं गई थी उसको दर्शन कराने के लिए। और उसके बाद से मेरा जाना ही नहीं हुआ। अब मैं फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, फिर मिलूँगी आपसे वहीं पर। तो मैं मेट्रो से झंडे वाला पहुँची थी, मेरी फ्रेंड को भी मेट्रो से ही आना था, तो मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और अभी मैं उसका वेट करूँगी, अंदर मैं तभी जाऊँगी जब वो आ जाएगी। तो अभी मैं बाहर ही हूँ, देख सकते हैं आप, मेट्रो स्टेशन पर मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर के लिए जाने का। मैं यहाँ पर पहुँच गई झंडे वाला, आज मंदिर आई हूँ मैं माता के, झंडे वाली माता के मंदिर आई हूँ और अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आने वाली है। मैं पहुँच गई हूँ झंडे वाला मंदिर, मेट्रो स्टेशन पर मैं खड़ी हूँ उसका वेट कर रही हूँ। तो वो आएगी फिर हम साथ में मंदिर चलेंगे। तो आज आपको अंदर, वैसे कैमरा अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से, पर बाहर से थोड़ा बहुत दिखा सकी तो दिखाऊँगी जरूर आपको। अच्छा पता क्या, हंसते हंसते मैं बाहर निकलती हूँ। मैंने कहा वो कहेगी इधर खुद ही पहुँच गई करके ना, ऊपर से नहीं इधर जाना, किधर को मंदिर पहली बार आई तो जाने के लिए। हाँ तो मंदिर जाने के लिए है ना, ये झंडे वाले मंदिर के लिए यही है। मेमोरी के लिए भाई ब्लॉगर बन रहे हैं ना, ब्लॉगर। आप मेरे बनियान पहन लिए, झंडे वाला मंदिर की तरफ जा रही है। ये मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है। और इसके साथ ही मुझे माता के मंदिर आना मेरे भाग्य में लिखा था। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आऊंगी, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था। इसी के साथ मेरा प्रोग्राम बनना था, माता रानी ने इसी के साथ बुलाया। जय माता दी। चलो तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में यहाँ पर जो है ई रिक्शा की सेवा थी मंदिर तक ले जाने के लिए, तो हम यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और यहाँ से हम ई रिक्शा से आगे जाएंगे। लाइन में लग गए हम लोग, लाइन में लग गए और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग लेकर जाते हैं यहाँ से मंदिर, तो यहाँ से जाएंगे। हाँ तो मैं तो यहाँ पे नवरात्रों में फर्स्ट टाइम आई थी, तो यहाँ पता चला कि हर नवरात्रे में यहाँ से जो है मेट्रो स्टेशन से अगर आप जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, तो वहाँ से फिर ई रिक्शा की आपको सेवा मिलती है मंदिर तक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ई रिक्शा थे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा था और फटाफट रिक्शा आ रहे थे और लोगों को जो है मंदिर तक, मतलब मंदिर के बाहर तक छोड़ते थे, फिर बाकी का जो है चलना होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चलना होता। तो हम भी इसी तरह से ई रिक्शा से गए थे और इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अपने दोस्त के साथ गई थी बहुत सालों के बाद और वो भी नवरात्रों में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब जो है हम भी ई रिक्शा में बैठ गए और इसकी सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी कि थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो देखिए हम दोनों भी बैठ गए हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें इन्होंने बाहर उतार दिया है, बस थोड़ा सा आगे मंदिर हम चल के जाएंगे। और ये आज जो है पांचवा नवरात्रा है
तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना मैं खुश दिख रही हूँ आपको। आज ई रिक्शा की उसमें हम बैठ कर आए और फ्री में आए, और ये जो सेवा है ना सिर्फ नवरात्रों तक है, नवरात्रों में स्पेशली मिली हुई है सेवा, तो उसके बाद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर के बाहर। अब जो है अपने जो चप्पल वगैरह होते हैं वो हमें यहीं बाहर ही छोड़ने होते हैं और फिर आगे मंदिर तक जाना होता है, तो यहाँ पर हम अपनी चप्पलें वगैरह जो है ना जो भी है, तो बाहर ही हमने अपने जो है चप्पल वगैरह जो थी वहाँ रख दी है, और आगे अब जो है हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने अपना QR कोड दिखाया था, क्योंकि हमने जो है पास ले लिए थे पहले से ताकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो मेरी फ्रेंड दिखा रही थी उनको QR कोड कि हमें कहाँ पे पहुँचना है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा रौनक दिख रही है मंदिर में। नवरात्रों में एक अलग ही रौनक कुछ आ जाती है, बहुत लोग आते हैं नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो जो हमने पास ले लिए थे पहले से उससे जो है हमें आसानी से एंट्री मिल गई थी, और एक सिंह द्वार है यहाँ से हम जो है हमने मंदिर के लिए एंट्री करी थी। QR कोड था तो हमने दिखा दिया था, और उसके बाद हमें आराम से एंट्री अंदर मिल गई थी और हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन करे थे। ये मेरी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा मेरे साथ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इसका मेरे लिए वो रहा है कि इसकी शुक्रिया अदा करती हूँ, इसकी वजह से आज मुझे इतने अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए हैं। मैं बहुत समय से जाना चाहती थी, लेकिन देखिए आप देखो ना कितनी ज़्यादा भीड़ है और हमें कितने आराम से दर्शन मिल गए, क्योंकि उसने पहले से ही पास ले रखे थे और बहुत आराम से हम लोग जो है मंदिर में दर्शन कर पाए। अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नवरात्रों में और लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तब जाके माँ के दर्शन होते हैं, लेकिन माता रानी ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि बहुत समय से मेरी तमन्ना थी कि मैं नवरात्रों में जाऊँ माता रानी के दर्शन के लिए। तो आप झंडे वाली इतना ज़्यादा सुंदर और इतना बड़ा मंदिर है, मैं यहाँ बहुत समय बाद आई थी। एक बार मेरा मंदिर छोटा सा था, तो यहाँ आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भजन भजन का जो है मंडली बैठी हुई थी और बहुत अच्छे भजन जो है वो सुना रहे थे, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं सच बताऊँ कि मेरा तो घर आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन हो रहा था कि बस मैं यही मंदिर में बैठी हूँ। इतना सुंदर मंदिर और इतनी सुंदर माता। तो यहाँ पर देखिए माता रानी के गुणगान कर रहे हैं, तो जो है पार्टी है जो गाने वगैरह भजन गाती है वो माता का गुणगान कर रहे हैं। मंदिर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो यहाँ से आने का ना आपका मन नहीं करेगा, और नवरात्रों में यहाँ पर विशेष प्रकार की जो है। मंदिर में ही एक शिवालय भी है, वहाँ पर भी हम दर्शनों के लिए गए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा शिवालय बनाया हुआ है ये, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे शिवलिंग है और सभी लोग यहाँ पे
जो है हाथ जोड़ते हुए जानते हैं, क्योंकि अंदर जो है इस तरीके से लगा रखा था कि अंदर इनके पास तक नहीं जा सकते थे। आप देख रहे होंगे साइडों में इस तरीके से लगा तरफ से, तो यह सिर्फ दूसरे दर्शन करके फिर हम इसी तरफ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। एक साइड से एंट्री है, दूसरे से अच्छा ठीक है, आज इतनी गर्मी नहीं लग रही, शुक्र है। जिस किसी दर्शनार्थी का वो उनके प्यार खोया पाया कि भाग में संपर्क करेगी धन्यवाद। वैसे मैं शायद बैठ सकती हूँ, और दिनों में भी तो नवरात्र है ना, तो वैसे ही भीड़ बहुत है, इतने लोग आ रहे हैं दर्शन। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अच्छे दर्शन तो अच्छे हो गए, दर्शन अच्छे हो गए, लेकिन वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। बड़ा मन था कि माता के साथ हम अपनी एक फ़ोटो खिंचवाते, फिर भी चलो कोई बात नहीं, तमन्ना पूरी हो गई, माता को देख लिए, दर्शन कर लिए, और नवरात्रों के टाइम पर दर्शन हो गए ना देवी माता की, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी है, मेरी बहुत सालों से तमन्ना थी जो मेरी आज इस बचपन की दोस्त ने पूरी करी है। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, माता ने बुलाया, इसके बहाने मुझे माता ने बुलाया था कि इसके साथ ही आएगी तभी आएगी, नहीं तो मैं बहुत पहले आई थी जब मेरा बेटा छोटा सा था, और आज आई हूँ, बहुत सालों बाद आई हूँ। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर हमें दिखा खूब सारे प्लांट, और बड़े अच्छे अच्छे प्लांटर्स रखे थे सिरेमिक के, इतने सारे, और बहुत खाद वगैरह और तरह तरह के प्लांट्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी ने लगा रखा होगा इसको, तो मेरी फ्रेंड ने भी एक तुलसी का पौधा दिया था, तो एक इस तरह का देवरा टाइप का कुछ होता है, देवरा ही बोलते हैं शरीर, तो उसमें। और अब हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खाया था, मेरा फास्ट चल रहे नवरात्रों के, फिर भी थोड़ा भूख लग गई थी तो मैंने आलू खाए थे जो सेंधा नमक वाले होते हैं, आलू की चाट, और थोड़ा बहुत हमने मीठा जो है खाया था व्रत के साथ। तो फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा वीडियो, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।